अस्सलाम वालेकुम। चौथे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी दिन के इस खुसूसी और अहम सेशन में मैं वहीद नूर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ वाइस चांसलर लियारी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर बलोच साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी नशीत संभालें। जनाब अख्तर बलोच साहब, मैं मोहतरम जनाब हबीब हसन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वे स्टेज पर आएँ और अपनी नशीत संभालें। मैं प्रोफेसर नासिर संगार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे स्टेज पर आएँ और अपनी नशीत संभालें। मैं मेरी बहन परवीन नाज से गुजारिश करता हूँ कि वे स्टेज पर आएँ। मैं हमारी बहन सीमा महेश्वरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सिंध के दिल कराची के साउथ में मेहनत कशों की एक बस्ती है जिसका नाम है लियारी। ये बस्ती है लियारी, यही हमारा आज के इस सेशन का टाइटल है। लियारी कल्चरल डाइवर्सिटी के रंगीन और हसीन बाब रखता है, जोश जज्बा उम्मीद और ख्वाब रखता है, चंग रखता है, रबाब रखता है, और ये सब का सब बेहद और बेहिसाब रखता है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस लियारी में एक आसेब का छाया सा गया। वो आसेब का साया कहर बन के, जुल्म की एक काली रात बन के इस लियारी पे बरसता रहा। लेकिन लियारी भी तो लियारी है ना, इसी में नूर मुइम दानिश की आवाज़ हमें सुनाई दी। इसी लियारी में जिसने हमें हौसला दिया, जिसने हमें हिम्मत दी, वही नूर मुइम दानिश जो हम सब का फेवरेट शायर है, फर्जंद लियारी है। आग और खून की होलियां लियारी में चल रही थी तो हमें हौसला जो है देने वाले लाल बख्श रिंद का अज़म था, अब्दुल सत्तार ईदी का जुनून था, रहीम बख्श आज़ाद की सोच थी, अली मोहम्मद शाहीन का शऊर था, जो नून मीम दानिश के इस शेर में दोहराता है कि मैं रेजा रेजा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मैं रेजा रेजा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मुझे जवाल बहुत देर तक नहीं रहता। मैं रेजा रेजा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मगर निढाल बहुत देर तक नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि सूरज हूँ डूब जाऊँ भी तो मुझे जवाल बहुत देर तक नहीं रहता। तो ये लियारी था, जबर के आसमान का सीना चाक करके इस लियारी ने अपना सूरज फिर से तराशा, फिर से रोशन किया, और आज इस लियारी के लाल और इस लियारी के गौहर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे लियारी की तारीख, वहाँ के कदीम आबादकार, वहाँ के हमा जहत कल्चर और माहौल के बारे में मुख्तसर अगर आप हमें कुछ बताएं तो। सबसे पहले सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। और आज हमारे ऑडियंस में माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे तारीख दान कलबती जैसे लोग बैठे हुए हैं, सलीम अहमद साहब बैठे हुए, पालारी बैठे हुए, और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जो सीनियर जो हिस्टोरियंस हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। देखिए, लियारी की जब हम बात करते हैं तो एक 16th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं हम लोग, जहाँ पर एक मछेरों का एक गांव जी जो है, बचेरे तो यहाँ पर पहले भी रहते थे, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है आज भी कि वो बचेरे बलोच थे या नॉन बलोच थे, जिनको हम मेद भी कहते हैं, जिनको बेसिकली। लेकिन जो बलोच माइग्रेशन जो ओरिजिनली जो हमारे पास है वो मतलब बाद का माइग्रेशन है। तो कुलाची का एक बड़ा कंसेप्ट भी मौजूद है कि माई कुलाची के नाम से कराची जो है वो शहर का भी बना, जो बाद में कराची की माँ बन गई हूँ। लेकिन जो सबसे अहम जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन बेसिकली ड्राउट की वजह से आया। जो बलूचिस्तान में दो बड़े ड्राउट का जो रिकॉर्ड है, जिसमें बहुत बड़ी माइग्रेशंस हुई, जिसमें हमारे ईरान के कोस्टल एरिया से लेकर पूरे मकरान के कोस्टल एरिया का तमाम एक बहुत बड़ा माइग्रेशन है। और ये माइग्रेशन का जो इनिशियल जो सेटलमेंट है वो लियारी है, इनिशियल सेटलमेंट। लेकिन ये यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट नहीं है, यहाँ से लोग आगे भी गए और
आप अभी भी आप पीछे के इलाका जाते हैं, गोड़ाबाड़ी के इलाका, और आगे जाएंगे इवन आपको बॉम्बे तक जो है उस माइग्रेशन का इफेक्ट नज़र आता है कि आज भी उस उन इलाकों में जो है आपको बलोच आबादियाँ मिलती है जी। लेकिन अब देखिए कि बलोच माइग्रेशन सिंध में मुख्तलिफ अदवार में हुई है। जो 500 साल पहले का जो माइग्रेशन है वो ज़बान ख़त्म हो गई उसकी, लेकिन वो अभी भी रेशली एथनिकली अपने आप को बलोच कहते हैं। लेकिन बलोच जो लियारी के जो माइग्रेशन है वो 200-250 साल का जो है, वहाँ पर हमारी ज़बान अभी भी कायम है और अभी भी हमारे कल्चरल कायम है। एक और माइग्रेशन जो है वो सेंट्रल बलूचिस्तान से, स्पेशली ये जो जेबरी का इलाका है, मश्के है, ग्रेशा जी, है जी। इस इलाके से जो माइग्रेशन हुई है जिसमें आपके ये मामदसनी ट्राइब के लोग हैं या आपके साजदी ट्राइब के लोग हैं या दिगर परवारी जो है, वो सारे के सारे वहाँ से माइग्रेट करके आए। ये नसीर का नूरी के ज़माने का माइग्रेशन है बेसिकली, जिसमें नसीर का नूरी की जो है वो खलात स्टेट की जो लड़ाई थी मकरान स्टेट के साथ, और मकरान स्टेट एक जिक्री स्टेट जो है वो डिक्लेयर था, और इस इलाके में जो अब ग्रेशा है, मश्के है, नोकजो है या जेबरी है, यहाँ पर आबादी जिक्रियों की थी जी। तो नसीर खान नूरी का जो है वही ऑर्डर था कि इन लोगों को यहाँ से जो डिस्प्लेस करें, यहाँ से निकालें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दिल के अंदर जो है जिक्री बैठे हुए हो, हम वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बड़ी माइग्रेशन है यहाँ पर जो यहाँ पर आए गए, और ज़ाहिर है कि वो लोग उनका पहला जो स्टेशन था वो गडानी था, वहाँ से आए। इवन जाम साहब से भी कहा गया था कि जो है वो कहीं और स्टे नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो उस तरफ ना निकल जाए। अच्छा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड जो ड्राउट हुआ हमारा, उस माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा ईरान की बहुत बड़ी माइग्रेशन ज़्यादातर हुई वहाँ पर, और इस माइग्रेशन का एक बड़ा इम्पेक्ट ये भी आया कि जो हमारी स्लेवरी है बलूचिस्तान की, वो स्लेवरी टूट गई, उस स्लेवरी को एमेंसिपेशन का जो है एक दर्जा मिला उसको। जो मीर थे या जो वहाँ के छोटे छोटे जो लोग थे जिन्होंने स्लेव्स ख़रीदे हुए थे जो अफ्रीका से जो लाए गए थे, उन सबको उन्होंने आज़ाद कर दिया कि आप जाएं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। ऐसे भी जो है वो इंफॉर्मेशंस हैं जिसमें बहुत सारे स्लेव्स ने कहा कि हम मरेंगे तो आपके साथ मरेंगे, क्योंकि आपके अलावा हम अब कहीं जा नहीं सकते। हाँ। फिर हम देखते हैं कि कराची का जो लियारी का स्पेशली जो एक कल्चर बना, वो कल्चर डिवाइडेड कल्चर था जिसमें ज़ाहिर है कि सेटलमेंट सही तरीके से होने नहीं दिया गया। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने सारे कोस्टल एरियाज़ में, स्पेशली जो हमारे मंडोड़ा के इर्द गिर्द के इलाके थे इस तरफ केबाड़ी के जी, वहाँ पर जितने सेटलमेंट थे वो सारा डिस्प्लेस करा दिया उन्होंने। जहाँ पर KPT की बिल्डिंग है आज, जहाँ पर आपका ये जो बीच लग्जरी होटल है यहाँ पर, ये हमारे माइग्रेंट की ओरिजिनल बस्तियाँ थी यहाँ पर, जो वहाँ पर आबाद थे यहाँ, उनको वहाँ से निकाल के इस तरफ जो आजकल जो सेंट्रल जेल है यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ इन्होंने कहा कि हमारी तो कश्तियाँ होती हैं तो हम वहाँ पर कैसे रहेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप इब्राहिम हैदरी शिफ्ट हो जाएँ। तो आधे लोग इब्राहिम हैदरी की तरफ शिफ्ट हो गए, आधे लोग पूरी कलरी में आ गए जहाँ पर ये पूरा इलाका है हमारा। ये पर ये माइग्रेशन यहाँ पर रुकती नहीं है, पर यहाँ से हम देखते हैं कि इंडिया से माइग्रेशन है, एक कच्ची बोलने वालों का एक बड़ा माइग्रेशन है, वो 70s तक चलता रहा, अभी काफ़ी देर तक चलता रहा। लेकिन जो इंडिजिनस लोगों की हम बात करते हैं, वो इंडिजिनस लोग हमें अजम हो गए, नज़र नहीं आते हैं अभी भी। हम जो देखते हैं कि जो ओरिजिनल फिशरमैन की जब हम बात करते हैं, हम बलोच जो फिशरमैन है उसको पादी बोलते हैं आज भी। पादी से मुराद है कि वो शख्स जो खुद फिशिंग नहीं जानता है लेकिन मछली की इतनी बेताब थी वहाँ पर कि वो जाके जो है मछली पकड़ सकते थे वहाँ पर की वजह से। लेकिन जो ओरिजिनल जो फिशरमैन है वो बेसिकली सिंधी स्पीकर है, पहले भी सिंधी स्पीकर था, आज भी वो सिंधी स्पीकर है, जो ओरिजिनल फिशरमैन है जिसको कहते हैं। आज बलूचिस्तान के पूरे कोस्ट में आपको जो है मामसनी मिलेंगे, साजदी मिलेंगे या संगुर मिलेंगे, ये तमाम के तमाम जो है बाद के फिशरमैन है, ओरिजिनल फिशरमैन नहीं है ये, जिसको पादी कहा जाता है। अब लियारी के जो वर्ड है लियार, उस पर भी बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है हमने पढ़ा है, बहुत सारी किताबों में बहुत मुख्तलिफ तरीके से बताया जाता है। हम लोग लियार बोलते हैं, एक छोटा सा शरब है, छोटा सा पौधा है जिसमें पीले किस्म के जो है वो पल लगते हैं छोटे छोटे से,
जिसको हम लियार कहते हैं। हाँ। और स्पेशली लियारी का जो नाम है वो बहुत बाद का है, शुरू का नहीं है। ये रिवर जो है, लियारी का जो रिवर है, इस रिवर को जो लियारी कहने वाले लोग लियारी के लोग थे जिन्होंने कहा लियारी। उस वक्त लियारी का अपना कंसेप्ट नहीं था ऐसे नाम लियारी, बाद में उन्होंने इस रिवर की वजह से जो है इस रिवर के इलाके में स्पेशली जो हमारा जो ये जो पूरा जो जो स्टेट है हमारा पीछे की तरफ जाते हैं जो सारा आपका हमारा वो आ जाता है एयरफोर्स का पूरा इलाका, इस सारे इलाके में ये शराब उगता था। तो लोग इसको कहते थे कि जो है आप कहाँ पर हैं, तो अब लियारी लियार के पास से लियारी है, लियारी रास्ता। तो उस वजह से जो है वो नाम लियारी पड़ गया। इस पर भी कंट्रोवर्सीज है, इस पर काफ़ी सारे लोग जो है कहते हैं कि ये मगर ये भी है एक बात। अब देखें कि वक्त के साथ साथ ये तमाम लोग जो है मजदूर, बाईगीर, मेहनतकश, और एक और भी फैक्टर आपको नज़र आता है कि जो हमारे बलूचिस्तान के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो यहाँ पर लकड़ी आके बेचते थे, यहाँ पर बालमूल लाके बेचते थे, यहाँ पर ड्राई फिश लाके बेचते थे, क्योंकि उस ज़माने में बर्फ़ का कंसेप्ट नहीं था और मछली को प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, सॉल्टिश मछली ही बिकती थी। तो ये ग्रेजुअली इन और आउट माइग्रेशन करते करते इवेंचुअली वो भी आके यहाँ पर सेटलमेंट हो गए। तो एक कुर्दों का एक बड़ा ग्रुप था यहाँ पर जो गायब हो गए। अच्छा। जिसको हम कहते थे कि गोदड़ जो है सरदार था जी, और उसके जो है कुर्दों का एक बड़ा बैकग्राउंड था यहाँ पर, जो ग्रेजुअली गायब हो गए, वो जम हो गए मामसरियों में बेसिकली, नज़र नहीं आते उसके अंदर। तो लियारी की जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स, यहाँ के मकामी लोग पहले से मौजूद हैं, फिर बलोच माइग्रेशन हुआ, फिर सेंट्रल बलोचिस्तान का माइग्रेशन है, फिर वहाँ हमारे इंडिया से माइग्रेशन है, और इस तरह से माइग्रेशन आज तक रुक हाँ, नहीं सका है। आज हाँ, भी बलोचिस्तान लियारी में माइग्रेशन जारी और सारी है। सही। ये अलग बात है कि एक ऐसा दौर आया लियारी में तो लियारी से लोगों ने माइग्रेशन भी कर दी, यहाँ से कहीं और चले गए, वहाँ पर आबाद हो गए, वो भी प्रॉब्लम हो गया हमारे पास। तो एक ऐसा कल्चर जो बलोच डोमिनेंट होने के बावजूद जिसमें आपको इंडिया का भी रंग नज़र आए, जिसमें सिंध का भी आपको रंग नज़र आए, जिसमें आपको अफ्रीका का भी रंग नज़र आए, वा वा। तो आपको वो तमाम जो है कंपोनेंट्स आपको नज़र आ गए। वाह डॉक्टर साहब, जबरदस्त। तो ये एक लियारी का जो है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया लियारी की तारीख के हवाले से बहुत खूबसूरत तरीके से सारा शुरू से लेकर अभी तक का। अब मैं हबीब हसन साहब की तरफ आता हूँ। हबीब साहब, कराची की इल्मी, अदबी, फ़नी, सियासी और समाजी या तहजीबी तरक्की में लियारी की शख्सियत और इनका कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह देखते हैं? वही साहब, सबसे पहले तो मैं इस मेले के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद देता हूं। मैं खुद 3 दिन से यहां मौजूद हूं, मैं देख रहा हूं पूरा सिंध यहां जमा है और सिंध की कल्चर पे बात चल रही है, और लियारी भी सिंध का एक मेरे ख्याल में माथे का झूमर है। ऐसा ही है, जहाँ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, जहाँ सिंध का नाम लिया जाता है, वहाँ लियारी की अपनी एक शनाख्त है। बिल्कुल, सब उसको उस तरह से देखते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि लियारी में पूरा पाकिस्तान आबाद है। पाकिस्तान में जितने कल्चर हैं, पाकिस्तान में जितनी ज़बानें हैं, जितने मज़हब हैं, वो तमाम लोग आपको लियारी में मिलेंगे। वाह वाह। बेसिकली ये मज़दूरों की एक बस्ती है और मज़दूरों के पास शाम को और कुछ नहीं होता। जब वो मजदूरी करके आते हैं 3-4-5 बजे अपने घर, तो उसके बाद वो ज़ाहिर है वो लग जाते हैं फिर किसी न किसी एक्टिविटी में। सही। तो इसी में, इसी लियारी ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हमारे स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, और आप देखेंगे कि अदब में आपने अभी खुद नून मीम दानिश साहब का नाम लिया, और इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं फनकारों में। फैज़ मोहम्मद बलोच को कोई भूल नहीं सकता। फिर खिदमत में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईदी का है, जिसका ताल्लुक लियारी के साथ है। उसने पूरी दुनिया में इस लियारी को बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। इसी तरह से आप अगर फिल्मों में जाएंगे या आप ड्रामों में जाएंगे, आप अदब में जाएंगे, शायरी में जाएंगे, तो हर फील्ड में आपको बड़े बड़े लोग नजर आएंगे। अली मोहम्मद शाहीन साहब के जैसे, अली मोहम्मद शाहीन है। फिर हमारे साथ इस वक्त भी मोहतरम अख्तर साहब बैठे हुए हैं, जो वाइस चांसलर हैं लियारी यूनिवर्सिटी के, और इस शहर में शायद हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं,
और वो इनके शागिर्द हैं। लियारी ने इस शहर को एक कल्चर दिया है, तालीम का, हुनर का, फन का, मेहनत का, हिम्मत का। तो ये आप इसमें देखेंगे, आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने हर मौके पर लियारी का नाम ऊंचा किया। बॉक्सर्स में अगर आप देखेंगे, मलंग बलोच हैं, ओलंपियन वो आपके हुसैन कच्ची साहब हैं, हुसैन शाह हैं, वो आज भी दुनिया में हमारा नाम लेके फिरते हैं। इसी तरह से अली नवाज बलोच हैं, जो पाकिस्तान के फुटबॉल के कैप्टन रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपको नाम नज़र आएंगे और आप कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि लियारी एक बुनियादी तौर पर एक स्कूल था जहाँ पर लोग आके सीखते थे। इस शहर में जितने भी लोगों ने माइग्रेशन किया उनका पहला स्टेशन लियारी था, और लियारी से लोगों ने हिम्मत सीखी, लियारी से लोगों ने हुनर सीखा, और लियारी से सीख के वो ये बाकी शहर को आबाद किया गया। तो लियारी ने मेरे ख्याल से, अगर आप आज मलीर से चार लोगों के नाम लेंगे, उनका ताल्लुक भी लियारी से होगा। बुनियादी तौर पर इस शहर में जो भी फनकार हैं, इस शहर में जो भी आर्टिस्ट हैं, उन सब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक लियारी से है। आप देखें लियारी के कितने बड़े बड़े अजीम हस्तियों का नाम इन्होंने लिया, स्पोर्ट्स के हवाले से, फिल्म के हवाले से। अगर हम मौसीकी के हवाले से भी कहें तो मतलब ज़हूर खान ज़ेबी जैसे कंपोज़र हमारे यहाँ मौजूद हैं। ज़हूर खान ज़ेबी वो शख्स है कि जिन्होंने दिला तीर भेजा गाने की धुन बनाई थी। गाना कौन सी पार्टी का है हमें इससे बहुत बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गाने को देख उसकी तख्लीक को देखते हैं कि उसकी धुन को देखते हैं कि हिंदुस्तान आज जिसे अपना सबसे बड़ा मौसीकार कहता है, वो आर डी बर्मन उस धुन को अपनी फिल्म के लिए चुराता है, कॉपी करता है, और अमिताभ बच्चन पर यह गाना फिल्माया जाता है। तो ये गाना लियारी में बना, जो आज अमिताभ बच्चन पर भी फिल्माया जा रहा है। तो लियारी की कई शनाख्तें हैं, कई पहचानें हैं। मैं प्रोफेसर नासिर साहब के पास आता हूं। प्रोफेसर नासिर साहब एसएम कॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हैं, लियारी से इनका ताल्लुक है, कच्ची कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। यही लोग हैं जो सब मिलके लियारी को खूबसूरत बनाते हैं, यही डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। तो नासिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कच्ची कम्युनिटी और लियारी के ताल्लुक की तारीख के बारे में आप हमें कुछ बताएँगे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने हमें दावत दी लियारी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में। ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हम एक भरे प्लेटफार्म पर आकर अपने लोगों को और अपनी कम्युनिटी को और अपने कल्चर को, अपने इलाके को डिफाइन कर रहे हैं। ये हमें मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर तौर पर इन चीज़ों को आगे आपके सामने पेश कर पाएंगे। आपका सवाल मेरा ख्याल है मेरी कम्युनिटी के हवाले, कच्ची कम्युनिटी और लियारी के ताल्लुक की तारीख को आप किस तरह बयान करेंगे? देखिए सर, बुनियादी तौर पर अगर कच्ची कम्युनिटी की तारीख की मैं बात करूं तो गुलाम अली अलाना साहब लिखते हैं कि सिंधी जबान का एक लहजा है कच्ची, तो सिंधी जबान की एक शाख है। डॉक्टर खूबचंदानी साहब लिखते हैं कि सिंधी ज़बान का एक ज़ेली लहजा है कच्ची, लेकिन इसके अंदर गुजराती अल्फाज ज़्यादा आ गए हैं। तो सिंध के अंदर जो कौमें आबाद हैं और जो तारीख़ में पीछे हम पढ़ते हैं, सुमरा कौम है, समा कौम है, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, चाहे मुआशी वजह थी या आपस की जंगें थी, खाना जंगियाँ थी, उनकी वजह से वो हिजरत करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए। कुछ ऐसे थे इन सुमरों में, समा में, इन कबीलों के अंदर के जो कच्छ के इलाके में भी गए थे। कच्छ बिल्कुल सिंध के बराबर में है, एक इलाका है, और कच्छ का मतलब है बगल। तो कच्छ के बिल्कुल बगल में सिंध के बिल्कुल बगल में होने की वजह से जो लोग वहाँ रहते हैं वो कच्छी कहलाते हैं। तो जो कबाइल यहाँ से वहाँ मुआशी मामलात की वजह से हिजरत करके गए, वहाँ खेती बाड़ी करते थे, वहाँ जहाज़रानी का काम करते थे, कश्तियाँ बनाते थे, फिशरीज़ का काम करते थे। जब वहाँ खुशकसाली हुई, जब वहाँ हालात थोड़े बदतर होना शुरू हुए, तो वो दोबारा अपने आबाई गांव की तरफ आ गए, आबाई इलाकों की तरफ आने लगे। अब जब वो सुमरा, जब वो समा, संगार, हिंगोरो दोबारा सिंध की तरफ आए, तो काफ़ी सदियों कच्छ में रहने की वजह से वो कच्छी सुमरा कहलाए। हमें सिंधी में भी जैसे सुमरा, समा, संगार, हिंगोरो नज़र आते हैं, तो ये कच्छी सुमरा, हिंगोरो, संगार, ये इस वजह से अब ये कच्छी कहलाते हैं। तो जब ये हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ बंदरगाहों में गए और कराची में भी आए और दूसरे इलाकों में भी गए, तो यहाँ पर पुराने आबाद, ये जो हम तारीख में कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, याकूब हिंगोरो का एक मकाला में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि माई कलाची का नाम और कराची का नाम, ये भी कराची में कच्छियों का दिया हुआ है।
क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची को क्रोचे करके लिखा जाता था, और क्रोचे और क्रो कच्छी अल्फाज है। माई कलाची का जो अल्फाज है वो कहते हैं ये भी कच्छियों का दिया हुआ है कि माई औरत को कहते हैं कच्छी में, तो वो इस तरह से कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो अल्फाज शुरू में जो इस्तेमाल किए गए या रखे गए वो बेसिकली कच्छी कम्युनिटी के ही दिए हुए हैं। लियारी में आने के बाद कच्छी कम्युनिटी आज आप देखें तो 100 से ज़्यादा जमातों में तकसीम है। अच्छा, जमातों का मतलब क्या है? ये कोई मज़हबी जमात नहीं है, ये कम्युनिटी सेंटर को जमात कहते हैं। इनमें आप देखें तो कुछ अपने पेशों के नाम से जाना जाते हैं, जैसे कच्छी कुम्हार, कच्छी चाकी, अच्छा कुछ कच्छी सोनारा, कुछ ऐसे हैं जो अपने आबा व अजदाद के नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे कच्छी संघार, कच्छी हिंगोरो, कच्छी सुमड़ो। कुछ ऐसे हैं जो मजहबी तौर पर भी पहचाने जाते हैं, कच्छी महेश्वरी, कच्छी अहले बैत। तो तकरीबन 100 के करीब ये डिवाइड हैं। लियारी में आने के बाद जब इनकी आबादी बढ़ती गई, और लियारी में बेसिकली तो ये मजदूरी का काम करते थे, फिशरीज़ का काम करते थे। अच्छा, इनका बुनियादी जो काम था ये टिम्बर मार्केट को आबाद करने वाले ये थे, लकड़ी का काम जानते थे। कच्छी लोहारवाड़ा जमात एक मशहूर जमात है जो खासकर जहाज़ बनाने का, कश्ती बनाने का काम करती है। तो इनकी आबादी में इजाफा होता गया, और आपस में मिलकर जो गरीब इनके अंदर मौजूद थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनकी फलाह के लिए इन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स बनाना शुरू किए। कम्युनिटी सेंटर्स में जो थोड़े मुखय्यर बाशऊर हजरात थे, उन्होंने गरीबों की मदद के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए इदारे कायम किए, और स्कूल्स कायम किए, दीनी मदारिस कायम किए। तो आज ये बाकायदा एक तंजीमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और हज़ारों की तादाद में एक एक कम्युनिटी के अंदर इनके रजिस्टर्ड मेंबर। जैसे हमारी संघार कम्युनिटी है, हमारे तकरीबन 2500 तो सिर्फ लियारी के अंदर मेंबर्स मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हमारी आबादी पूरे कराची में ओवरऑल 25,000 से ज़्यादा है। तो पूरी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हमारी 100 जमातें मौजूद हैं। ओवरऑल आप देखें तो 15 लाख से ज़्यादा कराची में कच्छी कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। तारीखी तौर पर उन्होंने कायदे आज़म के साथ बड़ा काम किया। अब्दुल्ला हारून एक बड़ा नाम कच्छी मेमन जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जैन नूरानी, मोहम्मद हाशिम आज़ाद, मौलदीना जिन्होंने मौलदीना हाल बनाया, खत्री जमात कच्छी जमात है। खत्री जमात की एक बुरी तारीख़ है, 150 साल पहले 1850 का इनका रजिस्टर्ड एक इदारा है खत्री जमात खाना। तो कराची के अंदर और लियारी के अंदर पहले मैं बात करूँ तो कच्छी कम्युनिटी फलाही काम करने में पहले नंबर है, अपने खासकर अपने जो मेम्बरान हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए, समाजी मामलात को हल करने के लिए, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रही है, और ये इनका तारीखी काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बताया आपने हमें, बताया नासिर भाई ने कि किस तरीके से कच्ची कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है और क्या करती है, कहाँ से आए ये लोग। मैं परवीन नाज आपकी तरफ आता हूँ, हमारी परवीन नाज। परवीन, तीसरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी ख्वातीन अपने हुकूक और अपने अख्तियार की जंग लड़ रही हैं, तो लियारी की ख्वातीन के बारे में कुछ बताएं हमें कि लियारी की ख्वातीन क्या कर रही हैं, उन्होंने कोई अहम ऐसी ख्वातीन जो लियारी जिन्होंने बड़ा अहम काम किया हो, जिन्होंने नाम कमाया हो, खिदमत की हो लियारी में, कराची का में नाम बनाया हो, उनके हवाले से उनके हक और इख्तियार की लड़ाई को आप किस तरह देखती हैं लियारी में, उनके क्या इश्यूज हैं लियारी के ख्वातीन के? सबसे पहले तो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल वालों को शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, पिछले 4 सालों से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इस बार मेरी ख्वाहिश थी कि चूँकि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो अपनी ही ज़बान में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और अपने ही लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं भी खासकर अपनी ही ज़बान में बात करूं। लेकिन सुनने वाले शायद ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग बैठे हुए, इसलिए मैं इस वक्त उर्दू में बात करूँगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बलोची में बोलूँ। आप बात कर रहे हैं कि लियारी में किस तरीके से हमारी ख्वातीन ने काम किया। मैं पिछले हवाले से अगर आपको बात करूं तो 90s में, चूंकि मैं खुद एक स्टूडेंट थी, उस वक्त मैं लियारी के अंदर स्ट्रीट स्कूल जब चल रहे थे उस वक्त जाती थी पढ़ने के लिए। उस वक्त सोशल कॉज पे वहाँ बहुत ज़्यादा काम होता था। उस वक्त हम देखते थे कि वहाँ पर हमारी ख्वातीन ही होती थीं हमारे मर्दों के शाना बशाना, वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमें पढ़ाती थीं, पढ़ाती थी वहाँ पर। हमारे टीचर्स के साथ साथ हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते थे
वो भी ख़वातीन ही होती थी जो घरों के अंदर आके ख़वातीन को उनके मसाइल के हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बता रही होती थी। इवन कि वो डॉक्टर्स नहीं होते थे लेकिन वो हेल्थ वर्कर ज़रूर होती थी जो आके बता रही होती थी, उनको इनके इश्यूज़ के हवाले से समझा रही होती थी। मैं शायद 8th क्लास में थी लेकिन मैं देखती थी कि वो ख़वातीन बहुत बाइमत होती थी। पॉलिटिकली अगर मैं देखूँ थोड़ा सा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जिसने मुझ में ये शहूर डेवलप किया कि जब लियारी में छोटे से इश्यूज़ होते थे, जस्ट लाइक के अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि आपके पास एक मसला आ जाता था, पानी का मसला आ जाता था या फिर आपके रोड के हवाले से मसले आ जाते थे, तो ख़वातीन निकलती थी। मैंने मर्दों को वहाँ निकलते हुए नहीं देखा है, वहाँ ख़वातीन जो है वो रास्तों में आके अपनी दरियाँ बिछा देती थी, अपने उक्के उठा लेती थी और रोड सारे के सारे बंद हो जाते थे वहाँ पर। तो ये वहाँ की एम्पावरमेंट की एक इंतहा होती थी ख़वातीन की, जिसको मैंने देखा, जिसने मेरे अंदर ये शहूर डेवलप किया, जिसने मुझ में ये जान डाल दी कि अच्छा, यानी ख़वातीन जो है वो मोर एम्पावर्ड दैन द मैन। ये मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाया था। लेकिन आपने खुद ही शुरू में ये बात छेड़ दिया था कि पूरा का पूरा एक स्याह दौर हमने देखा जिसमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया हमें कि हमारी ख़वातीन डर के और सहम के रह गईं और वो अंदर चली गईं। मैंने उस वक्त मिस सलमा को देखा, सलमा रिंद को, अपने लाला लाल बख्श रिंद के नाम को यहाँ पे वाज़े किया, उनकी फैमिली से थी वो। वो खातून जब बात करती थी तो रौब और दबदबा होता था, एक जब बात करते हुए वो अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाती थी तो लोग कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है इनके सामने। बानुल दश्तियारी के जब आप शायरी को पढ़ते थे, उनको अदब को पढ़ते थे, तो आपको लगता था कि कुछ है, कुछ है। मेरे ख्याल से ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं जो नादिर शाह आदिल साहब के रूप में हम देखते हैं, जो उस्ताद सबा दश्तियारी के रूप में हमें पता है कि उन्होंने क्या नहीं किया है इस बलोच कौम के लिए, कि आज हमें फैज़ ज़ोर शाह आशमी लाइब्रेरी की शक्ल में यहाँ मिलता है पूरे बलोचिस्तान को, पूरे बलोच कौम को, पूरे सिंध को, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि उन्होंने एक रेफरेंस लाइब्रेरी की शक्ल में दिया हुआ है। आपको मैं क्या कहूँ कि आप नूर मामा शेख साहब की शक्ल में देखिए कि उन्होंने आपको क्या नहीं दिया हुआ है। वो लियारी के ही सारे शान है, वो बच्चों के ही माँ है, अपने माओं के ही बच्चे हैं ना। अगर वो माएँ बाइमत नहीं होती तो वो बच्चे भी मेरे ख्याल से बाइमत नहीं होते। तो हम उन्हीं माओं के ही बच्चे हैं जो हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मिस सफिया का जिक्र ज़रूर करूंगी, जो लियारी की एक आम सी खातून थी जो अपने घर में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जुल्म और सितम सहती हुई आई हैं, लेकिन उन्होंने लियारी के ख्वातीन को कभी भी डरने नहीं दिया। उन्होंने लियारी की ख्वातीन को, आप ये कहें कि अल्ट्रासाउंड कोर्सेज, उन्होंने लियारी की बच्चियों को छोटे छोटे जो है हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज इतने ज्यादा करवाए कि आज हमारी वो बच्चियाँ निकल के नर्सिंग के फील्ड में इतना ज़्यादा गई हुई हैं कि लियारी जनरल हॉस्पिटल, जहाँ पे फीमेल नर्सिंग के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थी, बलोचों का कॉन्सेप्ट था, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि शायद नर्सिंग का फील्ड सिर्फ आपके पंजाब के लोगों के लिए होता है, नॉट फॉर द बलोच, ठीक है। लेकिन आज लियारी जनरल हॉस्पिटल आप जैसे ही इंटर होंगे तो वह आपको बलोचों के अलावा और कोई नर्स नहीं मिलेगा। तो ये उन्हीं लोगों की जो है काविशों का नतीजा है। ये वही माएँ हैं, वही बहनें हैं जिन्होंने आज हमें इतना आगे बढ़ाया है कि हम यहाँ आके बैठ गए हैं। सीमा, आप हमें महेश्वरी या हिंदू कम्युनिटी या माजी के लियारी और मौजूदा लियारियों में अकलियतों की तरफ से माशरती रवैयों पर क्या फ़र्क देखती हैं पहले के लियारी में और आज के लियारी में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हो रही है कि लियारी का ये जो डाइवर्स कल्चर बैठा है, जेंडर बैलेंस किया हुआ है और इसमें रिलीजियस माइनॉरिटी को भी इंक्लूड किया गया, तो मेरे लिए बहुत ही काबिल फख्र बात है कि हिंदू माहेश्वरी कम्युनिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लियारी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं उस माँ बाप की बेटी हूँ जो कि एक मज़दूर तबका है, और मेरी माँ भी मज़दूर है, मेरे फादर भी मज़दूर रहे थे, और हम सब वहाँ से एक स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, और आज अगर आपके साथ यहाँ बैठकर लोगों से मुखातिब हैं और इस काबिल बने कि अपना मौक़िफ़ और अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली और अपने लोगों को बयान कर सके, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की और मेरे प्यारे और अज़ीज़ लियारी टाउन की,
लिटरली वेरी वेरी थैंक्स. जहाँ तक कच्छी कम्युनिटी की बात की तो नासिर मक्सी साहब ने जो कच्छी कम्युनिटी का बैकग्राउंड बयान किया कि बेसिकली हम भी जो हिंदू कच्छी माहेश्वरी जो सदियों से लियारी में आबाद हैं, सिंध धरती में आबाद हैं, बेसिकली राजस्थान और जो थर का इलाका है वो कनेक्ट करता है कच्छ को, और कच्छ जो है गांव है, अब तो खैर वो भी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है. हम तमाम हिंदू और ख़ास करके जो लव्स कच्छी कम्युनिटी और कच्छी ज़बान है उसका बैकग्राउंड, बहुत सारे कच्छी मुस्लिम्स हैं, काठियावारियों की बात की, और भी बहुत ज़्यादा कच्छी यहाँ आबाद हैं. तो सबसे अच्छी बात या ऑनर की बात ये भी है कि कच्छी कम्युनिटी जो हिंदू बरादरी है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड जो है वो लियारी टाउन में है. और जहाँ हम हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं, एक मार्जिनलाइज तबके की बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अकलियत हैं, जैसे कि हमें हमारी पहचान भी है और हमें बताया भी जाता है, तो अकलियत बरादरी जो है हमेशा अपना साहिबान उन इलाकों में ऐसे लोगों के बीच में ढूंढती हैं जहाँ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करती है. तो ये भी लियारी की एक खूबसूरती है कि लियारी एक का अपना एक दिल है, एक जज्बा है, वहाँ के लोग इतने ज़िंदा दिल हैं कि मैं अपने बचपन से देखती हुई आ रही हूँ. आज भी अकलियत होने के बिहाफ पे जब मैं लियारी से बाहर निकली कोई घर ढूंढने के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे मुझे घर देने से डिनाई किया गया क्योंकि मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ. और हमें कहा गया कि हम ऐसे इलाकों की तरफ रवा दवा हों जहाँ हिंदू ज़्यादा आबाद हैं. तो लियारी से बाहर अगर निकल के देखा तो मुझे इक्का दुक्का इलाके ऐसे मिले, क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ आबाद हैं वहाँ हिंदू रह सकते हैं, जहाँ हिंदू थोड़े बहुत ज़्यादा आबाद है वहाँ. लेकिन लियारी एक ऐसा इलाका है जहाँ हम लियारी के किसी भी हिस्से में चले जाएँ कोई हमें डिनाई नहीं करता, और हिंदू कम्युनिटी, माहेश्वरी बरादरी, मारवाड़ी बरादरी, वहाँ पर जो जैन कम्युनिटी मौजूद हैं वो बहुत ही आज़ादाना तौर पर लियारी के अंदर रह रहे हैं. वहाँ की खवातीन, वहाँ के बच्चे, वहाँ के मर्द हजरात वो बहुत अपने आप को रिलैक्स और कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं. इवन कि माहेश्वरी बरादरी की अगर हम बात करें तो वो लियारी के अलावा ग्रेक्स, मारीपुर, मलीपुर, कराची में फैले हुए हैं, इवन करियो गवर और सिंध के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो अपने लियारी के अंदर है. और रही बात अगर हम इसमें माहेश्वरी कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें लियारी की तरक्की की तरफ, तो वही बात है कि जब हम अकलियतों की बात करते हैं, लोगों का जो डर, खौफ, एक हरासमेंट देखते हैं, तो वो कल्चरल कंपोनेंट है. मज़हब आपकी एक पहचान है और इस पहचान ने आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा. मैं अपने बचपन का लियारी जब देखती हूँ, अपनी टीन एज का लियारी देखती हूँ, ये मेरा लियारी था, ये मेरा कल्चर था कि हमारी औरतें जो है वो अपना रिवायती ट्रेडिशनल जो लिबास था, घाघरा चोली, साड़ी, माथे पे सिंदूर लगाए, इतनी बड़ी बड़ी बिंदी पहने हुए, उनके नेक इतने बड़े हैं, उनका स्टमक नज़र आ रहा है. लेकिन मजाल है कि किसी औरत को, किसी लड़की को किसी ने कभी कुछ छेड़ा हो. रात के 3 बजे 4 बजे मैं अपनी माँ का हाथ पकड़कर शादियों में जा रही थी, आ रही थी, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं. लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे लियारी की शक्लो सूरत बदलती गई, लियारी के हालात बदलते गए, हमने लियारी के अंदर वहाँ की मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वहाँ की क्रिश्चियन बरादरी, वहाँ के हिंदू बरादरी के अंदर भी तब्दीलियाँ देखी. इवन ये कहना चाहिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी तो वहाँ से तकरीबन माइग्रेट कर ही गई. अगर हम अपनी मेहमान बरादरी की बात करें वो भी तकरीबन वहाँ से चली गई, जबकि कराची का पुरअमन सबसे बेहतरीन खूबसूरत इलाका था. जब मैं अपने माँ से कहती थी कि माँ हम क्यों लियारी से बाहर नहीं जाते, जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी तो माँ कहती थी लोग तो मरते हैं बेटा यहाँ पर घर लेने के लिए, और तुम कहती हम लियारी छोड़ कर जाएँ. तो उससे अंदाज़ा होता था कि ये थिकली पॉपुलेटेड क्यों था, लोग दूर दराज से यहाँ पर आते थे, यहाँ पर रिहाइश पज़ीर होते थे. और मैं तमाम अपने साथियों की बात से बिल्कुल इनके एग्री करती हूँ कि डेफिनेटली कराची में जितने भी लोग कराची से बाहर निकले हैं और आज माशाल्लाह नामवार शख्सियत बनकर घूम रहे हैं, तो उसकी वजह ये थी कि कराची के अंदर जो लियारी टाउन है वो इतना जुर्रतमंदाना रहा है कि जिंदा दिली उसकी रस रस में बचा हुआ है, बसा हुआ है. आप देखें जो कॉन्फ्लिक्ट जोन था हमारा लियारी के अंदर, जिसके बाद लियारी की शक्ल बदल गई, खून रेजी देखी, वहाँ माओं ने अपने बेटों को गवाया, बहनों ने अपने भाइयों को गवाया, और जो उसकी शक्ल सूरत निकली उसके बाद लोग डर और खौफ से
एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये लियारी ही है, ये लियारी के ही लोग हैं। मैं भी उसी लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ, हालांकि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, मैं मार्जिनलाइज तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ, उसके बावजूद भी लियारी ने जो एक निडर नौजवान एक खून पैदा किया है कि उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के बाद भी आज भी लियारी का हर नौजवान खड़ा होता है, आगे आता है, अपना टैलेंट दिखाता है, अपनी स्किल्स दिखाता है और आगे बढ़ता है, जिसमें मैं परवीन की मिसाल दे रही हूँ। मेरे ये साथी बैठे हैं और मैं जो एक छोटे से कमरे में एक जैसे मैंने कहा कि मेरे माँ बाप एक मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ मुझे तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, जैसे कि हमारे हिंदू बरादरी में लड़कियाँ नहीं पढ़ती, उसके बावजूद भी अगर मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ तो ये लियारी की ही जरूरत थी, ये उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं का खुलूस कि हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के जो है आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, तो ये है हमारा खूबसूरत लियारी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्योंकि हम अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपसे फिर कुछ पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, माजी के लियारी और आज की लियारी में तालीमी हवाले से आप क्या फ़र्क देखते हैं, और फिर आखिर में नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, माजी की लियारी में हम स्पेशली पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान में हैं, उनके आपको रूट्स मिलेंगे लियारी से। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल जो शऊर है जी, वो पॉलिटिकल शऊर जो जो मास लेवल पे जो आया वो 70s अर्ली 70s से आया, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे होते थे, जो दीगर पार्टियों में काम कर रहे होते थे, वो सब मौजूद थे वहाँ पर। टॉलरेंस मैं समझता हूँ कि बड़ा डोमिनेंट फैक्टर था पॉलिटिक्स का, लियारी का इतना बड़ा बर्दाश्त का जो मादा है, सियासी बर्दाश्त जिसको हम कहते हैं, क्योंकि लियारी के जो बुनियादी फाउंडेशन में टॉलरेंस का जो फैक्टर है वो बहुत डोमिनेट रहा है। जब 70s में जो मास पोलिटिसाइजेशन का प्रोसेस आया, जिसमें पीपल्स पार्टी डोमिनेंट हुआ, पीपल्स पार्टी ने क्लिक किया लियारी में, तो लियारी के समझिए कि बहुत बड़ी तमाम जबान बोलने वाले लोग मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, और जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स थे जिसमें नेशनल अवामी पार्टी के भी लोग मौजूद थे, जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद होते थे, छोटे छोटे उनके जो ऑफिस होते थे, लेकिन कभी भी ये हज़ारों के ऑफिस वाले एक तरफ जो हज़ारों लोग वाले ऑफिस होते थे, एक तरफ चार लोग वाले ऑफिस होते थे, कभी भी इनके ऑफिस को टच नहीं किया उन्हें आज तक, इतने बर्दाश्त के जो है फैक्टर थे। इसके बावजूद के नज़रियाती बहुत इख्तलाफात होते थे, बहुत बहुत ग्रेजुअली मैं समझता हूँ कि जो जिस बंदे ने पहले लियारी से बीए किया उसका नाम के साथ बीए लग गया जी था। बिल्कुल सही बात उसके नाम के साथ बीए लग गया था, सही बात। लेकिन अब मैं लियारी को देखता हूँ तो लियारी में हज़ारों की तादाद में आपको बीए और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स मिलेंगे, पीएचडी डॉक्टरेट बहुत सारे पीएचडीज आपको मिलेंगे, बहुत बड़े 1700 एकड़ पर मुश्तमिल एक छोटा सा इलाका है लियारी, और 8 या 9 पीएचडी डॉक्टर्स वहाँ पे, ज्यादा होंगे, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सही। लेकिन एक बड़ा फर्क जो है मैंने नोट किया है कि जब हम स्टूडेंट थे, जब 70s के हम लोग पैदावार हैं, जब हम स्टूडेंट थे तो हम दुनिया के हालात को अच्छी तरह से समझते थे कि वियतनाम में क्या हो रहा है, कि क्यूबा में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, मॉस्को में क्या हो रहा है, सारी दुनिया की चीज़ें क्योंकि हम जानते थे। और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स स्टूडेंट ग्रुप्स होते थे, बहुत सियासत होती थी। ये जो 10 साल का जो दौर गुजरा हमारा, जिसको हम शाह दौर कहते हैं लियारी का, जिसमें लियारी की वो असल शनाख्त है, जो पहचान है, उसको डैमेज किया गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, अमन दोस्ती प्यार सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी जो कल्चर है वो ख़त्म हो गई वहाँ पर। अब जो जो द रूविन्स जिसको हम कहते हैं ना, कंडरात में जो हमने दो जो रिजिलियंस होके दोबारा खड़े हो गए हम लोग, उन कंडरात पे जो हमने तालीमी जो स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ, वो तालीमी स्ट्रक्चर जो है रोबोटिक हो गया है, ए पॉलिटिकल हो गया है टोटली। आज का बच्चा, उसको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसको ये भी पता नहीं कि कराची में क्या हो रहा है। आज का बच्चा बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वो कट गया है, वो दुनिया बिल्कुल अलूफ हो गया है, उसका एक टारगेट है सेल्फ प्रोग्रेस,
उसको नौकरी लेनी है, उसको जॉब लेनी है, उसको डिग्री लेनी है, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। सही। तो ये एक तो ये माहौल जो है हमारे ये जो डार्क एज है इसकी वजह से आया। दूसरा ये माहौल हमारे जो जो हुक्मरान हैं उन्होंने सियासी पॉलिटिकल जो तंजीमें हैं स्टूडेंट की जो तंजीम है उन पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियंस में पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से ग्रेजुअली होते होते आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि जो बड़ी बड़ी भी अगर यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स ना होने के बराबर रह गई। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो जो लियारी है वो अकेडमिकली ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। और जो शऊर मैं समझता हूँ कि 70s 80s के ज़माने में थी, शऊर का वो लेवल कमज़ोर हो गया है यहाँ पर। वो बाशऊरी का जो समझता हूँ कि एक डैमेज हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि लियारी वोकल इतना ज़्यादा वोकल लियारी होता था कोई नहीं होता था। जितने भी मूवमेंट्स थे आप देखें कि इवन पीपल्स पार्टी के खिलाफ मूवमेंट में लियारी भी आ गई थी उस ज़माने में। ज़ियाउल्लाह के खिलाफ जितने मूवमेंट्स हैं वो लियारी से होते थे। अयूब खान के खिलाफ जितने मूवमेंट्स थे सबका सबका जो है वो बेस लियारी हुआ करता था। सही बात है। MRD के मूवमेंट में आप देखें कि पूरा लियारी सड़क पे औरतें मर्द सारे के सारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो जो जो इमेज था कि बाशऊरी का जो लियारी का जो एक एक ताकत में जिसको कहता हूँ कि वो थोड़ा सा कम हो गया है, डैमेज हो गया। हबीब साहब, बाशऊरी का ताकत कम हो गया है, इमेज लियारी का मस्क हो रहा है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हो? हमने पिछले दिनों देखा करोना के दिनों में एक कराची की मशहूर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राशन लेकर जब लियारी में आती है तो वो हिंदू कम्युनिटी को राशन देने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये जो है मुसलमानों का दिया हुआ पैसा है और मुसलमानों के राशन में हिंदुओं को देना अलाउड नहीं है। तो ये जो इंतहा पसंदी लियारी में आ रही है, कहीं हम कुछ भटक तो नहीं रहे हैं सर? हम किस तरफ जा रहे हैं, ये इसका हल क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लियारी बुनियादी तौर पर वो जो मुफ्त का उस्ताद था ये उसका इलाका है। यहाँ हर वो बड़ा आदमी, जो भी बड़े आदमी थे, जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी उस्ताद थे, उन्होंने शायद अपना फ़र्ज समझा था, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने अपना ये किरदार छोड़ दिया। यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए, लाला आशिक साहब को मैं देख रहा हूँ जो फुटबॉल में बहुत पाकिस्तान के लेवल तक पहुँच गए, फिर उन्होंने गली मोहल्लों में खुद बच्चों को मुफ्त में फुटबॉल सिखाया। ये जो स्ट्रीट स्कूल वाला तसव्वुर है हमारा, लोगों ने मुफ्त में गलियों में दरिया बिछा के बच्चों को पढ़ाया। सही। अब एक कल्चर हमारे ऊपर डाल दिया गया प्राइवेट स्कूलों का। हर आदमी कहता है आप मुफ्त में क्यों पढ़ाते हो, पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। तो वो जो पढ़ाने वाला टीचर है जो पैसे लेता है उसका दर्जा भी आप जानते हो। तो अगर वो तमाम लोग जो लियारी में बड़े लोग हैं, अब भी हैं, अब भी मौजूद हैं, वो सिर्फ इस एक पॉइंट पर आ जाएं कि ये उनकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ले जाएं, अपने जो आपको आता है उसको आपने अपने बच्चों में मुंतकिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लियारी में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, बहुत ज़्यादा शऊर आ गया, लेकिन उस शऊर को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। पहले हमारे पास शायद साल में 2 डॉक्टर भी नहीं निकलते थे, अब मेडिकल एक कॉलेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। मैं यहाँ इस फोरम पे, सिंध के इस फोरम पे सबसे पहले लियारी की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा एज ए लियारियन कि उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज दिया, पीपल्स पार्टी ने हमें एक यूनिवर्सिटी दी। ये बहुत बड़ा एहसान है लियारी पर। मुझे उम्मीद है हम पिछले 10 साल में जितना खो चुके थे अगले 10 साल में ऐसा नहीं होगा। अगले 10 साल में आपको लियारी के हर घर में एक मास्टर मिलेगा, हर दूसरे घर में एक PhD मिलेगा, यही होगा इंशाल्लाह। और मैं ये इस बात पे भी जाऊंगा कि ये वो लियारी है जिसने बलूचिस्तान और हमेशा बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया। आज बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में अगर कोई पुल है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बैठकर दोनों तहजीबें एक दूसरे से बात करती हैं, तो वो लियारी है। क्या अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है पूछने को, लेकिन मुझे 4 पर्चियां आ चुकी हैं कि एक सेशन है उनका, इसके बाद हमारा वक्त ख़त्म होता चाहता है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूंगा। आप तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए और हमें सुना, बहुत शुक्रिया आप सबका।